दोस्तों भूल भुलैया मूवी किसने नहीं देखी। अरे वही फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन ने अपना दमदार अभिनय दिया था और इस मूवी में कॉमेडी और हॉरर सीन भरपूर मात्रा में दिखाई दिए थे। और अब पूरे 14 साल बाद इस मूवी का सीक्वल आ रहा है भूल भुलैया 2 नाम से। वैसे 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे देखकर लोगों ने मूवी के ट्रेलर को काफी ज्यादा प्यार दिया और इसके व्यूज यूट्यूब में 60 मिलियन से भी ऊपर चले गए। और 20 मई यानी कि कल ये मूवी रिलीज भी हो चुकी है जो कि उम्मीद है काफी अच्छी मूवी ये होगी और नाम कमाएगी। इसी के चलते आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भूल भुलैया पार्ट 1 और भूल भुलैया पार्ट 2 के कुछ मिले जुले फैक्ट्स जो आपको जानने में काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वैसे आपको बता दूं 11:30 बजे मेरा वीडियो आता है बुधवार और शनिवार, तो अगर नोटिफिकेशन ना आए तब भी देख लेना और मुझे सपोर्ट करना क्योंकि यही एकमात्र मेरा चैनल है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 2 मूवी की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ एक डरावना प्रैंक हो गया था और ये प्रैंक उनके निर्देशक अनीस बज्मी ने किया था। हुआ यूं कि मूवी की शूटिंग जिस हवेली में हो रही थी वो काफी बड़ी और अंधेरी हवेली थी और एक सीन के दौरान कार्तिक और कियारा को एक कमरे में कुछ ढूंढना था। लेकिन उस सीन के दौरान अनीस बज्मी ने 3-4 लोगों को सफेद चादर से ढककर उसी कमरे में एक सोफे के पास छुपाकर बैठा दिया और जैसे कार्तिक और कियारा उस सोफे के पास पहुंचे तो वो भी अचानक से तेज आवाज करते हुए खड़े हो गए जिसे देखकर कार्तिक और कियारा काफी डर गए। फिर उनको पता चला कि ये उन दोनों के साथ अनीस बज्मी द्वारा किया गया प्रैंक था। लेकिन कार्तिक आर्यन और कियारा को डरते देख सबकी हंसी निकल गई और दोस्तों सेट में ऐसी छोटी मोटी मस्ती हमेशा चलती रहती है। नंबर 2, दोस्तों जब साल 2007 में भूल भुलैया का पहला पार्ट आया था तो आपको इस मूवी में अवनी और राधा का रोल देखने को मिला था। जब इन दोनों रोल्स के लिए हीरोइन सेलेक्ट की जा रही थी तो इन दोनों रोल के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन और कैटरीना कैफ को सिलेक्ट किया गया था, मगर इन दोनों रोल के लिए ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ दोनों ने मना कर दिया। फिर बाद में अवनी और राधा के लिए विद्या बालन और अमीषा पटेल को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद विद्या बालन ने अवनी और अमीषा पटेल ने राधा का रोल प्ले किया था मूवी में। और इसके अलावा मूवी में विद्या बालन के रियल लाइफ पति बने शाइनी आहूजा का नाम सिद्धार्थ था। शाइनी का किरदार पहले अभिषेक बच्चन को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने भी इसे करने से मना कर दिया। नंबर 3, दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी अंतर हमें देखने को मिला है। जैसा कि हमको पता है कि भूल भुलैया के पहले पार्ट में अक्षय कुमार, विद्या बालन, साइनी आहूजा और राजपाल जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिले थे और उनकी वजह से ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई थी। और जब इस मूवी का दूसरा पार्ट बनाया गया तो सबको उम्मीद थी कि भूल भुलैया 2 में एक बार फिर से वही पुराने स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एक सीक्वल मूवी है, मगर ऐसा नहीं हुआ और भूल भुलैया पार्ट 2 में उन सभी सुपरस्टार में से केवल राजपाल को ही जगह मिल पाई ताकि वो फिर से पुराने अंदाज में कॉमेडी कर पाए। और एक इंटरव्यू के दौरान जब राजपाल यादव से इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इस मूवी में सेलेक्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि सभी पुराने बड़े स्टार्स को इस मूवी में नहीं लिया गया, मगर कॉमेडी करने के लिए प्रोडक्शन हाउस उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं और उन्हें मूवी में कॉमेडी करने के लिए ले लिया। नंबर 4, दोस्तों आपको बता दें भूल भुलैया मूवी एक रीमेक मूवी थी जो साल 1993 में आई एक मलयालम फिल्म मणिचित्र तजाहू की कॉपी मूवी थी। और मणिचित्र तजाहू मूवी बनाई जा रही थी तभी इस मूवी के डायरेक्टर ने इसको हिंदी भाषा में बनाने की सोच ली थी और इसी वजह से साल 2007 में भूल भुलैया नाम से ही मूवी आई तथा भूल भुलैया मूवी को बनाने में 32 करोड़ की लागत आई थी और वहीं इस मूवी ने सभी देशों में मिलकर करीब 82.8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये मूवी 2007 की बेस्ट मूवीज में से एक रही थी। नंबर 5, दोस्तों भूल भुलैया मूवी में आपने हरे राम हरे कृष्णा गाना जरूर सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा मूवी में इस गाने को केवल प्रमोशन के लिए शूट किया गया था। लेकिन ये गाना इतना ज्यादा हिट हो गया कि पूछो ही मत और इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्म रिलीज होने के 1 हफ्ते बाद इस गाने को फिल्म में रखा गया था। तो दोस्तों ये थी वो कुछ बातें जो भूल भुलैया के दोनों पार्ट से जुड़ी हुई हैं और उम्मीद आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का तो ख्याल रखिए ही।